हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के ही तो आप लोगों ने मेरा ये वीडियो क्लिक किया है। ये वीडियो दरअसल बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं, रेसिपी बहुत टेस्टी है और साथ में बहुत इजी भी आपको बनाने में लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वेस्ट नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं और देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली चाहिए फ्राइड फिशेस, कॉलीफ्लावर चॉप्ड मीडियम साइज पोटैटो, चॉप्ड मीडियम साइज ऑनियन, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड धनिया पत्ता और दो ग्रीन चिलीज। कढ़ाई में मेरा हॉट मस्टर्ड ऑयल रेडी हो चुका है और इसमें मैं कॉलीफ्लावर को फ्राई कर लूंगी। इसे अच्छे से फ्राई करना है और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने तक आपको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा फ्राई हो गया, आप देख ही रहे हो फ्राई हो चुका है और इसीलिए अब मैं इसको दूसरा एक प्लेट में उठा रही हूँ। अब फिर से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लीजिए और उसमें 1/2 स्पून कलौंजी ऐड कर दीजिए। अभी जिंजर फ्राई होगा, तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। जिंजर बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। अभी चॉप्ड पोटैटोस और नमक एज पर टेस्ट, हल्का सा हल्दी और अब इसे अच्छे से मिला के फ्राई कर लीजिए। इसको जब भी आप फ्राई करते रहोगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक एरोमा आना चालू हो जाएंगे अदरक फ्राइंग का। अभी मैं वो जो चॉप्ड ऑनियंस था उसे मैं ऐड भी कर रही हूँ और साथ में फ्राई कर लेना है इसे। कुछ भी ज्यादा फ्राई मत कीजिए, हल्का हल्का फ्राई करना है। अभी 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज मैंने ऐड कर दिए। नाउ 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर और फिर से सब कुछ एक साथ मिला के फ्राई कर लीजिए। अभी वो जो चॉप्ड कॉलीफ्लावर था उसे भी मैंने ऐड कर लिए और इसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मसालों के साथ वेजीज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और अभी मैं वाटर ऐड कर दिया एज पर करी रिक्वायरमेंट। आपको जितना करी चाहिए फ्रेंड्स, अब उतना ही पानी ऐड करना। अभी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है, ज्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन कलर बढ़िया आता है। और फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए यानी मिला लीजिए। अभी टाइम हो गया है फ्राइड फिशेस को ऐड करने के, तो मैं अभी फ्राइड फिशेस को ऐड कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाने दीजिए। 5 मिनट बाद आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि इन लोग का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और अभी मैं चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया पत्ता को भी ऐड कर दिए और फिर से इसे 5 मिनट के लिए कुक करने दीजिए। और आफ्टर 5 मिनट्स आपका कुकिंग फुल्ली कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, जरूर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा, ये बहुत ही हेल्दी है, समझ में आ ही गया आपको। और इसे आप जरूर हॉट राइस यानी गरम गरम चावल के साथ खाना खाइए, लंच के टाइम भी या तो
डिनर के टाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा जरूर लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे गुड कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई क्वेरीज है तो वो जरूर कीजिए, साथ में मेरा क्रिएटिव चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राइट साइड एक बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।